आर यू ऑल, तो कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? तो चलिए मिलिए आज ब्यूटीफुल लेडी इन द कार। तो आज हम दो लेडीज की डेट है, हम लोग आज डेट पे जा रहे हैं। पहले चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और ये पनीर क्लब सैंडविच, ये और इनसे मिलिए। ये हैं वो दो लेडीज जिनके कंधों पे पूरा घर चलता है, और हम दोनों ही आज घर से बाहर हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिली को भूल के। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कहना चाहती हूँ, जब भी शराद वगैरह आते हैं तो जो लोग जा चुके हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए न जाने हम कितना कुछ करते हैं, बट सॉरी टू से जब वही लोग हमारे साथ होते हैं तो शायद हम उनकी उतनी कदर नहीं कर पाते। पेरेंट्स की जॉब थैंकलेस जॉब होती है, पूरी उम्र ये हमारे लिए न जाने कितना कुछ करते हैं और कभी जताते भी नहीं। सो हमारी भी ड्यूटी है कि कभी हम उनको भी स्पेशल फील करवाएं, उन्हें बताएं कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं। इंटरनेट ने हमें अपनों से आज इतना दूर कर दिया है कि कभी सिर उठा के भी नहीं देखते कि हमारे आसपास कौन है और उन्हें क्या चाहिए। हेयर ओनली वन एडवाइस, चाहे आपके कुछ इश्यूज़ ही क्यों ना हों अपने बड़ों के साथ, जिसका रीज़न जनरेशन गैप हो सकता है, पर इशू तो हमारे बच्चों के साथ भी होते हैं क्योंकि जनरेशन गैप तो वहाँ पर भी है। कुछ भी हो, कितने भी इश्यूज़ क्यों ना हो, पर दिन में एक कोशिश उन्हें खुश करने की ज़रूर करें। और हर बात के आगे जी लगा के बात करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि हमारे जी से ज़्यादा वो हमसे प्यार की उम्मीद रखते हैं। यहाँ पे हमने अभी सीड्स लगाए हैं धनिया और पालक के, दोनों ही आइटम्स ग्रीन ग्रीन हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी फूड का। तो ऑलमोस्ट हमारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, और वहाँ के लिए हमने जगह छोड़ दिया है, वहाँ पे हम कल लगाएंगे मूली। तो अभी हम जाएंगे वॉक करने। चलो मम्मा वॉक करने चलें। नहीं, कद्दू लेके आओ अंदर से, कद्दू बनाएंगे शाम को सब्जी। कद्दू शाम को? कद्दू खाएंगे? वाह जी वाह, कौन खाएगा कद्दू? आप खाओगे कद्दू, मैं खाऊंगी कद्दू, और बाकी जनता क्या खाएगी? गाइस, अभी आपने देखा कि हमने थोड़ी सी गार्डनिंग की है, क्योंकि हमारा गार्डनर जो है वो गांव गया हुआ है, तो उसकी एब्सेंस में हमें काम करना पड़ा, जो कि बहुत टफ नहीं है, अच्छा है, एक वर्कआउट भी हो जाता है। और अभी हमने पालक के बीज लगाए हैं, और साथ ही लगाया है धनिया, और मूली हम कल लगाएंगे। और अभी मम्मा को मैं बोल रही थी कि चलो थोड़ा काम वाम हो गया, थोड़े फ्री हो गए हैं, तो चलो अब चलते हैं, थोड़ा गार्डन में दो चार राउंड लगा के आते हैं, घूम के आते हैं।
लेकिन मम्मा वो टिक के नहीं बैठ सकते, उनको लगता है कि नहीं गार्डन में नहीं जाना। इनको बोलो योग करने को तो बोलेंगे नहीं योग भी नहीं करना, तो बोल रहे हैं कद्दू लेके आ अंदर से, हम कद्दू बैठ के यहाँ पे गार्डन में अपने गार्डन में बैठ के कद्दू काटते हैं और शाम को कद्दू की सब्जी बनाएंगे। कद्दू शाम को कौन खाएगा? एक कोचिंग से आएगी और दूसरा अकेडमी से आएगा और आते ही बोलेंगे कि क्या बना है। वैसे तो खुशबू से पता चल जाता है उनको कि क्या बना है, लेकिन जब देखेंगे कि कद्दू बना है तो बोलेंगे कद्दू, तो बस कद्दू जैसी शक्ल बना लेंगे फिर। तो अभी आज है हमारा वैसे नॉन वेज डे, मम्मा को पता भी है कि आज नॉन वेज डे है और आज मैं लेमन चिकन बनाने वाली हूँ और उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मम्मा खाओगे ना लेमन चिकन? खाओगे जी। खाओगे? और कितना खाओगे? सारा ही, आज आपको मिलेगा ही नहीं। अच्छा, कहते कि आज मैं सारा खा लूँगी, आज तुम लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ तो सारा खा लेंगे मम्मा आज चिकन और हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह का मजाक चलता रहता है हमारे घर में। लाइक मम्मा वेजिटेरियन है आप सबको पता है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हम नॉनवेज बनाएं और मम्मा को ऑफ़र ना करें। मम्मा को हम हमेशा ऑफ़र करते हैं और पूछते हैं कि मम्मा आप खाओगे, प्लीज़ टेस्ट तो करके देखो, तो मम्मा बोलेंगी हाँ हाँ मैं तो सारा खाऊँगी। लेकिन चलता है, वो बुरा नहीं मानते हैं हमारे मजाक का, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे मुझसे जोक कर रहे हैं, मुझसे मजाक कर रहे हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगी गाइस, मैं नॉनवेज की रेसिपीज़ कई बार शेयर कर देती हूँ, तो कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो पसंद नहीं करते हैं नॉनवेज को देखना मेरे ब्लॉग्स में, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। अगर आप खाते नहीं हो तो आपको हो सकता है कि अच्छा ना लगता हो, लेकिन कुछ व्यूवर्स जो हैं वो कहते हैं कि आप प्लीज़ रेसिपी शेयर किया करो। रेसिपीज़ देखना चाहते हैं वो देख लें, जो नहीं देखना चाहते वो उतना पार्ट जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो अभी हम लेमन है अंदर, आज तो ख़त्म हो गए आज। तो मैं यहाँ देखती हूँ कि है हमारे गार्डन में, ये मुझे लेके ही आने पड़ेंगे। तो आज हमारे गार्डन में भी लेमन जो है वो ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पे भी नहीं है। अब इनका जो कहते हैं ना फूल होता है वो झड़ चुका है, अब 5 to 6 months लगेंगे और अब इसमें दोबारा से लेमन आने में। तो अभी यहाँ पे कोई लेमन नहीं है, शायद एक आध लेमन जो है वो मेरी किचन में पड़ा हुआ है, बट क्योंकि मुझे मॉर्निंग में भी लेमन चाहिए और अभी मुझे चिकन भी बनाना है लेमन चिकन, तो अभी जा रही हूँ फिर मैं मार्केट, मैं लेमन लेके आती हूँ और फिर हम बनाते हैं लेमन चिकन। नींबू कैसे हैं? लेमन चिकन बनाने के लिए पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए मैंने 1 kg के अराउंड चिकन लिया है और एक बड़ा चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही 3 नींबू का मैंने जूस इसमें ऐड किया है, ब्लैक पेपर पाउडर, और हम साथ ही डाल देंगे एक बड़ी कटोरी इसमें दही की और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक जितना आप खाना पसंद करते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके काफ़ी देर तक रखने की ज़रूरत नहीं होती है, साथ ही साथ आप इसको बना सकते हैं। पहले मैंने गैस पे थोड़ा सा दूध चढ़ा दिया है जिसका मैं पनीर बनाऊंगी और मम्मा के लिए पनीर की भुर्जी बनाऊंगी, और दूसरी साइड पे मैंने रख दी है कढ़ाई जिसमें बनाऊंगी लेमन चिकन। तो सबसे पहले मैंने बर्तन में डाला है थोड़ा सा ऑयल और इसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें तेज पत्ता, गार्लिक थोड़ी सी कटी हुई जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, थोड़ी देर उसको हम सॉटे करेंगे, और उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे अदरक के जो जूलियंस मैंने काटे हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो 5-7 minutes तक तो हम इस चिकन को ऐसे फुल गैस पे पकाएंगे, और जब थोड़ा सा ये भुन जाए उसके बाद हम गैस सिम करके इसको 15 to 20 minutes तक पकाएंगे। और अब मैंने इसमें ऐड कर दी है ग्रीन चिली जो मैंने लंबी लंबी काटी थी, नमक आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, वैसे हम मैरिनेशन में नमक डाल चुके हैं तो आप उस हिसाब से ऐड करें, और ये पनीर भी इधर मेरा रेडी हो गया है। डिनर हमारा कभी लेट भी हो जाए तो चलता है, लेकिन मम्मा को मैं खाना सबसे पहले सर्व कर देती हूँ क्योंकि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर वो खाना अर्ली खा लेते हैं तो उनका डाइजेशन ठीक से हो जाता है। तो यहाँ चिकन भी मेरा रेडी हो गया है, अब लास्ट में मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच मैंने पानी में घोल के रखे थे और उसको मैंने अब डाल दिया है ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छे से थिक हो जाए, और ऊपर से आप डाल सकते हैं हरा धनिया, यहाँ मैंने सूखी मेथी का पाउडर ऐड किया है, और अब इसको मैं ढक के रख दूंगी क्योंकि ये हॉट केस है तो इसमें गर्म ही रहेगा, इसको बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे जैसे फैमिली मेम्बर्स आते जाएंगे उनको सर्व करती जाऊंगी।